इंटीग्रेशन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज मार्क लाइक दिस. नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव. इसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा. इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लर्न करते नहीं है भाई. यू नॉर्मली लर्न डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज, जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं, यू ट्राई एंड लर्न ऑल दोज फॉर्मूलाज. वो लर्न करने की आप कोशिश करते हो. अगर इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज आप लर्न करने की कोशिश करोगे इनिशियली, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में. ठीक है, तो इनिशियली आप यही काम करो कि हर वक्त आप डेरिवेटिव से ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालना. भाई नोटबुक में आप एक बीचों बीच लाइन बना दो या फोल्ड कर दो ना, सो दैट यू कैन राइट दी फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली. नाउ जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आते हैं, पहले वो करने की कोशिश करते हैं. पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं भाई. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स. देन वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. अब क्वेश्चन आता है कि ये सी क्यों कांस्टेंट डालते हैं. बड़ा सिंपल सी लॉजिक है. इफ आई राइट टू प्लस साइन एक्स, थ्री प्लस साइन एक्स, इसकी डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी भाई? कॉस एक्स ही तो आएगी. इसकी डेरिवेटिव ले या इसकी डेरिवेटिव ले, बोथ आर गोइंग टू गिव यू कॉस एक्स. तो दैट्स व्हाई यू राइट, अगर उल्टा लिख रहे हैं तो इसलिए साइन एक्स प्लस सी कोई भी नंबर होगा तो उसकी डेरिवेटिव ये ही आएगी कॉस एक्स. दैट्स व्हाई यू राइट प्लस सी. भाई अगर आप प्लस सी नहीं लिखते हो तो आपके नंबर बकायदा उड़ जाएंगे. तो आपको जितने फॉर्मूलाज आते हैं भाई, आप छह ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स इतने तो पहले आप लिखना, लॉग एक्स एंड ई एक्स फटाफट खुद से लिखना शुरू करना भाई. मेरे तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने से पहले बनाना.
और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के ये फॉर्मूलाज हो गए। देन फॉर इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या था भाई इसकी डेरिवेटिव, ठीक है, जो कुछ अलग सा होगा वो ऑब्वियसली लर्न करने पड़ेंगे, बट अगर अकल इस्तेमाल करोगे तो ना लर्न करने पड़ेंगे। नाउ अब बहुत बार डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इट इज माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें लिख सकते हैं इसका आंसर, कैन आई इवन राइट दिस एज माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं भाई, दिख रहा है। जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप एक ही काम करो, जो आंसर आ रहा है उसकी डेरिवेटिव निकालो, देखो क्वेश्चन है या नहीं है, अगर क्वेश्चन वो है इसका मतलब आप सही लिख रहे हो। चलो भाई छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना भाई, पहले मैं क्यों लिखते जा रहा हूं, लिखना भाई फटाफट, लॉग एक्स और ई रेज़ टू द पावर एक्स भी लिखना। भाई इसमें डायरेक्टली लिख दो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, भाई ये सबसे मेजर फॉर्मूला है, ये तो किया ही नहीं।
भैया ये अगर आपने डेरिवेटिव निकाल लिया तो आप वापस फॉर्मूला लिस्ट में जाना और आप लिखना भाई cot x into dx can be written as log sin x plus c or it can be written as minus सोलह फॉर्मूलाज वहां थे, ये हो गया 17, 18, 19 और 20। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये याद होना जरूरी है भाई, दिस इज एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू डी एक्स करें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे भाई, बोलना मुश्किल ही नहीं है भाई इसके अंदर। नाउ इफ इट इज 5x³ तो इसमें क्या करते हैं, 5 बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू डी एक्स करते हैं, कहने का मतलब है कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आप निकाल दिए, सो दिस इज 5 into और x cube का इंटीग्रेशन कितना है, x³/4 + c, तो ये आंसर आ गया। What would be integration of just dx, 1 into dx, ठीक है, तो 1 into dx मतलब एक तरीके से x⁻⁰ into dx, तो क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा प्लस सी, 1/1 आएगा भाई। सेम वे इफ आई आस्क यू टू इंटीग्रेट 2 into dx तो इसकी इंटीग्रेशन 2 into dx और इट इज 2x + c, समझ में आया भाई ये, x⁻⁻³ अगर मैं लिखू इंटू डी एक्स then it will become what, x⁻³ - 3 + 1 upon - 3 + 1 + c, कितना आ गया भाई, x⁻²-2 upon - 2 + c, क्लियर है भाई ये। What about x⁻⁻⁰ into dx, कितना आएगा, -1 + 1, ये नॉट डिफाइंड इजिली आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon dx, 1 upon x आपने सीख रखा है, सो मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं इसलिए ये मैं पूछ रखा हूँ भाई, सो दिस वुड बी दिस, मतलब ये गलत है, इनफैक्ट ये फॉर्मूला इज नॉट डिफाइंड फॉर n
इक्वल्स टू एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, हो ही नहीं सकता, नीचे में जीरो आ जाएगा, इसलिए वन अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स। नाउ नेक्स्ट, अब सोचते हैं, सपोज मेरे को दे दिया जाए एक्स फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया भाई, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, फॉर ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर फाइव इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स फाइव की हो गई एक्स रेज टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस एक्स फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस टू एक्स, और सारे के लिए एक कांस्टेंट टर्म आप डालते हैं तो प्लस सिक्स, दिस विल गिव यू द आंसर। समझ में आया भाई? नाउ एक दो और कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपकी थोड़ी दिमाग और खुलेगी। नाउ इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन गोल के कोई चीज नहीं है, कहने का मतलब है अगर मेरे से बोला जाए एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन करो एंड आई ट्राई एंड डू इट लाइक कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये नहीं है पॉसिबल, ये अभी आपकी औकात है नहीं करने के लिए, ये सिखाऊंगा। अब इवन इफ आई हैव टू इंटीग्रेट एक्स इंटू एक्स प्लस वन दे दिया, तो मुझे इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स एंड देन आई विल डू इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। क्लियर है भाई? कोई भी चीज आप प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं कर सकते हो भाई, फ्रैक्शन हो कुछ भी हो। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि जस्ट गेट यूज्ड टू दी फॉर्मूलास, तो आप थोड़ा फॉर्मूलास के यूज टू होने की कोशिश करना एंड इसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो इट विल मेक मोर सेंस। और भाई आप हमेशा फॉर्मूला लिस्ट खोल के मत बैठे रहना, ये तो कोई जिंदगी में ना होगा भाई आपसे। नाउ आप फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करो, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, बहुत है इतना ही करना भाई, ये आर एस अग्रवाल है भाई, दिस इज आर एस अग्रवाल व्हाट आई एम डूइंग, एक थर्ड वाला पार्ट सेकंड का मैं कर रहा हूँ, तो लगता है शायद किसी को डाउट आया होगा, तो जैसे आप लोग चैंपियन हो डाउट होना नहीं चाहिए। x by a plus a by x plus x raised to the power a plus a raised to the power x plus ax into dx by obviously a is constant, dx मतलब with respect to x आप कर रहे हो, सबकी अलग अलग integration करें तो one upon a ये बाहर, x की integration एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए वन बाय एक्स, इसकी इंटीग्रेशन लॉग एक्स, एक्स रेज टू द पावर ए की हो जाएगी एक्स रेज टू द पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। log a और a x की इंटीग्रेशन इज a x square by 2 and plus c,
कॉन्स्टेंट टर्म एक बार लिखेंगे, ये बोल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में। भाई ये समझ में आ गया भाई सबको, एटलीस्ट आप मल्टीप्लाई करके करना है ये दिमाग में बैठा लेना। बीच के कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखा है भाई मैंने, तो वो आप, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज dx अपॉन x रेज टू द पावर 3/4, इसका मतलब x रेज टू द पावर -3/4 इनटू dx। भाई अब ये फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये करने की कोशिश करना, केवल सिक्स क्वेश्चन आप छोड़ देना फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब आपके दिमाग में हर समय चलना क्या चाहिए वो ये कि किस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखो मुझे जो फॉर्मूला पता है 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। नाउ यहीं पर सिंप्लीफिकेशन आपको हेल्प करता है। कैन आई राइट न्यूमरेटर एज x² + 1 -2 अपॉन x² + 1, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब कैन आई राइट x² + 1 अपॉन x² + 1 -2 अपॉन x² + 1। भाई ये कट के 1 आ गया, दिस इज dx, सो 1 का इंटीग्रेशन इट इज x -2, इसकी इंटीग्रेशन भाई 1 अपॉन x² की क्या है, tan इनवर्स x लिख सकते हैं, प्लस c आंसर। भाई यू कैन राइट दूसरा x प्लस 2 cot इनवर्स x आल्सो, ठीक है, x6 - 1, और ये सारा काम डिनोमिनेटर आप देख के करते हो। नाउ x² + 1 दे रखा है, अब आप देखो ऊपर a³ - b³ का कोई फायदा नहीं है। सो अगेन व्हाट आई विल ट्राई एंड डू, ये सिंप्लीफिकेशन है कि आप किस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। भाई ये लिखा x² + 1 लिखा, और ये छोटे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अब ये दिमाग में बैठा के रखना। भाई मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ a³ + b³ का, विच इज a+b² - ab+b² ये पार्ट को एक्सपैंड करने के लिए। सो इट विल गिव मी x² + 1 इंटू x² - x² + 1 अपॉन x² + 1 एंड दूसरा -2 अपॉन x² + 1, ये और ये कट गया। बेसिकली आप ये देखो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऊपर की डिग्री कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कुड हैव इवन डिवाइडेड दिस, तब भी मेरे पास आंसर आ गया होता। अब ये 3 बचा भाई, x² - x² + 1 - 2 अपॉन x² + 1 इंटू डी एक्स। भाई इसकी हो जाएगी x² / 5 - x³ / 3 + x - 2 tan inverse x + c। समझ में आया भाई ये? भाई ये सारा चीज जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे दीज आर गोइंग टू, इसमें से हेल्प यू रिमेम्बर दी फॉर्मूलास। आप केवल ये मत समझना कि ये एग्जाम में आने लायक है, बट ये 6 क्वेश्चन वाले आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे ही छोटे छोटे ही पूछे जा रहे हैं। भाई ये ट्राई कर सकते हो, भाई ये क्वेश्चन ट्राई करना 7th, देखो कितने लोग कर पा रहे हो पूरा।
इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स, भाई अगर मुझे ये दे दिया जाए तो यू कैन राइट सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, और फिर दोनों की अलग अलग कर देंगे भाई, सो इट इज टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है भाई? इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखूं, टैन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा भाई टैन एक्स सेक एक्स, एंड दिस इज इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला है भाई, दिस इज सीकेंट एक्स, भाई सीकेंट एक्स की डेरिवेटिव होती है ना टैन एक्स सेक एक्स, समझ में आई बात भाई? ऐसे छोटे छोटे फॉर्मेट्स, और ये आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करना, दिमाग खर्च करना और करने की कोशिश करना भाई। आप ये अपलोड कर दिया हूं मैं ये असाइनमेंट, दिस इज जिसके पास आर एस अग्रवाल है यू कैन यूज आर एस अग्रवाल, और ना हो तो भाई आप ट्राई करना ढंग से।